गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर होगा हमारा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो कब एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कुछ, कब एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक होगा, तो उसी को देखना है। तो शुरुआत करते हैं एरोमेटिक से, कंपाउंड कब हमारा एरोमेटिक होगा। तो लिखा गया है यहाँ पर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सबसे पहली चीज़ हमें, अगर ये चार कंडीशन लिखी है, अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। सबसे पहला है हमारा, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड जो हमारा साइक्लिक होना चाहिए, और यहाँ पर कंपाउंड शुड बी प्लेनर होना चाहिए हमारे पास कंपाउंड जो भी है, और कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड, उसमें जो कंजुगेशन में होना चाहिए। कैसे, वो हम एग्जांपल में देखेंगे कंजुगेशन कैसे, या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन। और चौथा है, कंपाउंड शुड बी फॉलो हकल रूल, 4n+2π इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करता है, उसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन है, तब वो कंपाउंड होगा हमारा एरोमेटिक। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो होगा एरोमेटिक। और इसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन है, तो n = यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से 5, 6, 7, 8 आगे होता चला जाएगा। जब हम n की वैल्यू अगर यहाँ पर रखें कुछ, जैसे कि 0 है, पहले 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2π। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर एक आएगा 2π। जब 1 रखेंगे तो आएगा 6π, और जब 2 रखेंगे 10π। फिर उसके बाद आएगा जब 3 रखेंगे, अब 3 14π, जब 4 रखेंगे तो 18π। तो जिस भी कंपाउंड में 2π इलेक्ट्रॉन, या फिर 6π इलेक्ट्रॉन, या फिर 10π इलेक्ट्रॉन, या फिर 14, या फिर 18π इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कंपाउंड होगा हमारा एरोमेटिक। हम अभी एग्जांपल देखेंगे, तब देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल आप देखिए, 2π इलेक्ट्रॉन एंड 6π इलेक्ट्रॉन, 10π इलेक्ट्रॉन और 14, 18, ये इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में भी कंडीशन 3 सेम है, जैसे कि पहला इसमें साइक्लिक था, तो इसमें भी हमारा साइक्लिक होगा। सेकंड हमारा प्लेनर होगा, और थर्ड हमारा क्या था, कंजुगेटेड, तो कंजुगेटेड होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन फोर्थ वाला जो है, हकल रूल अप्लाइड नहीं होगा, हकल रूल नॉट अप्लाइड, इसमें क्या होगा, 4n π इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर था हमारे पास 4n+2π इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है 4n π इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर n की वैल्यू शुरू होगी 1 से। तो जब n = 1 यहाँ पर रखेंगे तो पहला हो जाएगा हमारे पास 4π इलेक्ट्रॉन, जब 2 रखेंगे तो 8π, जब 3 रखेंगे 12π इलेक्ट्रॉन, जब 4 रखेंगे तो 16π इलेक्ट्रॉन। तो जो भी हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसमें 4π इलेक्ट्रॉन, 8π, 12π एंड 16π इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी हमारा कंपाउंड होगा, एग्जांपल से देखेंगे। अब नॉन एरोमेटिक को देख लेते हैं। नॉन एरोमेटिक में क्या है, कंपाउंड हमारा साइक्लिक होगा, या फिर नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, या फिर नॉन प्लेनर हो, या नो उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो, और हकल रूल नॉट अप्लाइड। समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड साइक्लिक है और उसमें प्लेनर नहीं है, जैसे कि आपने लिखा है, अगर कोई भी प्लेनर नहीं है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, डीलोकलाइजेशन है, और हकल रूल को फॉलो कर रहा है, एक कंडीशन नहीं है उसमें, प्लेनरिटी नहीं है, तो हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक। या फिर इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, अगर वो साइक्लिक नहीं है तब भी हमारा हो जाएगा। अगर इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। जैसे कि या तो साइक्लिक नहीं हो, या तो प्लेनर ना हो, या तो कंजुगेशन में ना हो, या फिर हकल रूल को फॉलो ना करें। जैसे कि हकल रूल को ये भी फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसमें 4n π इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो जाता हमारा एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये हकल रूल को भी फॉलो ना करें तब भी ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। कैसे, हम एग्जांपल में समझते हैं। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरोमेटिक में, ये हमारा 2π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन, 10π, 14π, 18π इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर लिख लें। तो आज की इस वीडियो में इसी पर एग्जांपल देखने वाले हैं, 2π, 6π, 10π, 14π, 18π। नेक्स्ट वीडियो,
इस पर एरोमेटिक, हाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास होगा, अगर वो 14 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई, अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक। आज की जो इस वीडियो हमारी होगी वो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के दोनों पर होगी, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होगी। अब वो हम एग्जांपल में देखेंगे कि हम इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वो अगर उसमें प्लेनर नहीं हुआ, वो थोड़ा सा प्लेनरिटी ऊपर नीचे हो गई, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई 12 पाई 6 पाई 16 पाई, अब इसमें कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, इसमें से कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक इसी पाई इलेक्ट्रॉन में क्या कौन कौन, हम एग्जांपल में समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई एंड 18 पाई के कुछ एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड या फिर नॉन एरोमेटिक क्या होगा, अभी हमें देखना है, तो उसी को देख लेते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है। इससे पहले एक चीज़ और, पिछले जो अभी बताया गया है तो उसमें एक चीज़ और छूट गई कि जो भी हमारे पास प्लेनर कंपाउंड होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 या फिर sp, और जो हमारा ये एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए, और जो हमारा नॉन एरोमेटिक होगा वो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा किसी ना किसी एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अभी हमारा सबसे पहला एग्जांपल है ये, तो इसमें देखिए एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि पहला सबसे पहले जो हमारे पास क्या था, साइक्लिक है कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, हाँ ये प्लेनर है, और कंजुगेशन है डबल सिंगल, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल। देखिए कंजुगेशन का मतलब क्या है, मैं अभी इसमें ओपन दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, डबल सिंगल डबल इस तरह से, तो ये कंजुगेशन में है, या तो फिर कोई चार्ज हो सकता है डबल, इधर सिंगल, इधर पॉजिटिव चार्ज सिंगल, इधर कोई निगेटिव चार्ज मतलब इधर लोन पेयर भी हो सकता है, फिर ये सिंगल, ये डबल बॉन्ड, इसका मतलब है क्या, मतलब डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल, कोई निगेटिव चार्ज या फिर कोई लोन पेयर हो सिंगल डबल, तो ये भी हमारा होगा कंजुगेशन में। तो अब इसमें देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, यानी कि ये कंजुगेशन में भी है, या फिर अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना चाहें तो आप इस पाई बॉन्ड को इधर मूव कराएंगे तो ये इधर जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर, अब जब इसको इधर करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर जब ये वाला बॉन्ड इधर, फिर जब इसको वापस इधर करेंगे तो ये बॉन्ड फिर से ऊपर की साइड पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव जो पूरे पर हर कार्बन पर मूव होगा, यानी कि ये कंजुगेशन में है, कंपाउंड साइक्लिक है, आप लिखेंगे इसके नीचे कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड एंड कंपाउंड शुड बी फॉलो हकल रूल। हकल रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ हर फॉलो कर रहा है, 4n+2π यानी 2π इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ से पॉजिटिव को हटा दिया मैंने, इसमें यहाँ पर कंपाउंड साइक्लिक है, पहला जो हमारा था उसमें कंडीशन साइक्लिक, दूसरी थी हमारी प्लेनर है, और तीसरी क्या थी, कंजुगेशन है डबल सिंगल, इधर कोई डबल भी नहीं है और इधर कोई चार्ज भी नहीं है, तो ये हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, जो हमारी कंजुगेशन वाला है वो फॉलो नहीं होता है, और हकल रूल को फॉलो तो कर ही रहा है 2π। तभी मैंने बताया था कि अगर एरोमेटिक में कोई भी एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, जैसे कि तीसरी वाली जो हमारी थी कंजुगेशन वाली, वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, NA मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप लिख लेंगे नॉन एरोमेटिक, आप पूरा लिखेंगे कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंजुगेशन नहीं है तो कंपाउंड शुड नॉन कंजुगेशन है, इसमें हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होगा हमारा ये नॉन एरोमेटिक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले देखना है साइक्लिक है प्लेनर है कंजुगेशन है, साइक्लिक तो है प्लेनर है, कंजुगेशन देखना है डबल सिंगल
इधर पॉजिटिव चार्ज सिंगल, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, यानी कि इसमें कंजुगेशन भी है, फोर एन प्लस टू पाई हकल रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ फॉलो भी कर रहा है, इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड भी हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अब यहाँ से दोनों पॉजिटिव हटा दिया मैंने इस एग्जांपल में, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन नहीं है, और हकल रूल को तो फॉलो कर ही रहा है, टू पाई इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक जो भी कंपाउंड होता है वो हकल रूल को फॉलो ही करता है, लेकिन इसमें ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये होगा हमारा नॉन एरोमेटिक क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। अब इसमें देखते हैं डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इधर भी इससे हमें ऊपर की साइड ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इधर मैंने देखना है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल फिर डबल, यानी कि ये इसकी तरह सेम है, तो ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक। ये हो गया हमारा टू पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन में आपके पास सबसे पहला कंपाउंड बेंजीन, बेंजीन इज मोस्ट एरोमेटिक, कई बार भी बेंजीन आपको दिख जाए और इसकी बेंजीन दिख जाए वो हमारा होगा एरोमेटिक। इसको देखिए पहले, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेशन में भी है, फोर एन प्लस टू पाई, मतलब फोर एन प्लस टू पाई का मतलब मैं आपको बता दूँ, फोर एन प्लस टू पाई, एन की जगह जब आप रखेंगे वन तो ये हो जाएगा फोर और प्लस टू, ये हो जाएगा सिक्स, और इधर पाई होता है ये हो जाएगा सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, यही होगा हकल रूल अपना, यानी कि ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। उसी तरह से हमारा पिरिडीन भी प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन है, तो ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल, इधर पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल कंजुगेशन भी है, ये भी हो जाएगा आपका एरोमेटिक। अब इसमें देखिए ये फाइव मेंबर रिंग, इधर सिक्स सिक्स मेंबर कुछ एग्जांपल था, ये फाइव मेंबर रिंग कुछ एग्जांपल, दो दो चार, इसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो ये क्या फोर पाई इलेक्ट्रॉन हमारा किस में होता है, एंटी एरोमेटिक में, अभी मैंने बताया था, तो क्या ये एंटी एरोमेटिक है। इसमें देखिए पहले साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, क्या यहाँ से शुरू करिए, डबल सिंगल, इधर नाइट्रोजन है, फिर इधर सिंगल, इधर तो डबल सिंगल मिल नहीं रहा है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना ही कोई निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा, कंजुगेशन ही नहीं तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नहीं। तो देखिए पहले इसमें नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, होता है ना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, डबल सिंगल, अब ये लोन पेयर भी कंजुगेशन में हिस्सा लेगा, लोन पेयर, फिर इधर सिंगल डबल, यानी कि ये कंजुगेशन अब हो गया पूरा, और दो इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें दो और ये दो, यानी कि हो जाएंगे टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन यानी हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये कंपाउंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक। उसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर लोन पेयर है, दो होते हैं, एक पार्टिसिपेट कर रहा है डबल सिंगल, और लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, यानी कि साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक, ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक उसी तरह से। अब इसमें ये वाला देखिए डबल सिंगल सिंगल, ना तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई निगेटिव चार्ज है, ना कोई लोन पेयर है, कुछ भी नहीं है, तो ये वाला कार्बन जो होगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड। देखिए कंजुगेशन नहीं है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन कंजुगेशन नहीं, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक, साइक्लिक है प्लेनर है कंजुगेशन नहीं है, डबल सिंगल आ जा रहा है, और हकल रूल को फॉलो करे ना करे, जब हमारा कंजुगेशन नहीं है तो हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक। अब चलते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सबसे पहले आपका आ जाएगा नेफ्थलीन, साइक्लिक, प्लेनर है, कंजुगेशन डबल सिंगल। ये देखिए ये पूरी रिंग कंजुगेशन में है, ये पूरी रिंग कंजुगेशन में है, तो ये पूरा कंजुगेशन में है, तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ पर 10 पाई का एग्जांपल लिखा है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। और इसमें देखिए अगर कोई एक
उसी तरह से इसी तरह नेफ्सलीन है, बस यहाँ से एक ब्रिज का टाइप का है और इधर से बीच वाला बांड का ये ब्रिज टाइप का बांड है। तो ब्रिज वाला जैसे कि हमारे पास ये एक प्लेनर पर एक हमारा ये जो इस तरह से है वो ये प्लेन पर समझिए, और एक ब्रिज वाला ऊपर से इस साइड का है। तो ब्रिज वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, ये ब्रिज वाला जो ऊपर इस साइड का है उसे हमें कोई लेना देना नहीं। ये कंपाउंड देखिए साइक्लिक है, तो एक प्लेन पर है, प्लेनर है और कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, 4n+2π हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये वाला भी हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का कंजुगेशन है, डबल सिंगल ट्रिपल, यहाँ पर ट्रिपल आ जा रहा है, फिर सिंगल डबल यहाँ पर डबल 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 तीन बार डबल डबल फिर सिंगल डबल। तो इसीलिए आप इसमें देखिए कि कंजुगेशन का थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो आप डिलोकलाइजेशन देखिए पहले इसका, तो इस बांड को हम इस साइड मूव कराएं और इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो देखो यहाँ से पूरा इस तरह से मूव होता हुआ, ये बांड इस साइड, 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 पूरा इसमें पाई बांड का पूरा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन पूरा डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कंजुगेशन में, इसका मतलब डीलोकलाइजेशन हो रहा है हमारा। ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, अब डीलोकलाइजेशन भी है और ये 4n+2π यानी 10π इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। 10π कैसे हैं अभी मैं काउंट करके दिखाता हूँ। और ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। फिलहाल हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो बना लें। ये हो जाएगा, फिर देखिए ये डबल बॉन्ड आ जा रहा है हमारा यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर, ये वाला बांड इधर गया, ये डबल बांड इधर बाकी है, और ये वाला इधर, और ये वाला सिंगल हो गया, ये वाला डबल हो गया, और ये सिंगल वाला आ गया यहाँ पर, ये डबल पहले था, और एक बांड जब इधर और मूव हुआ, ये वाला और मूव हुआ, ये तो ये ट्रिपल हो गया, और ये वाला बांड सिंगल हो गया, और ये वाला डबल हो गया। कहने का मतलब ये वाला अगर यहाँ डाल के इसको घुमा देंगे तो वही चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है, या फिर ऊपर वाले को नीचे कर दें, ये ट्रिपल बांड नीचे आ जाएगा, बाकी ये तीनों जो नीचे वाला था वो इसमें ऊपर की साइड हो गया। अब इसमें देखेंगे इसमें कैसे 10π इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 2, 5, 10, 2, 6, 12, 2, 6, 14, इसमें 14π इलेक्ट्रॉन है। तो मैं 10π क्यों कर रहा हूँ, इसको 10π के एग्जांपल में क्यों लिखा हूँ, क्यों देखिए यहाँ पर डबल 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 ये हमारा तीनों लगातार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तीनों को लेंगे। जैसे कि इसमें जो जो कांस्टेंट है ये मूव नहीं हुआ और ये मूव नहीं हुआ, ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स हैं, जैसे कि ये एक और एक ये डबल बांड यहाँ पर, जब ये ट्रिपल बांड इधर मूव हुआ तो यहाँ पर ये डबल बांड पहले से बचा, ये डबल बांड पहले से बचा है, और यहाँ पर ये डबल बांड पहले से था, एक बांड और मूव हुआ तो ये ट्रिपल बांड हो गया। तो यानी कि ये इनमें दो बांड कंजुगेट नहीं कर रहे हैं, यानी दो बांड अपनी जगह पर फिक्स हैं, दो बांड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल दोगे ये हो जाएगा हमारा 10 इलेक्ट्रॉन। एक इस तरह से हो सकता है, या तो फिर कहीं पर आपका ट्रिपल बांड हो तो वहाँ पर आप कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2π इलेक्ट्रॉन, एक चीज़ ये होगी। और कहीं पर आपके पास लोन पेयर हो तो वहाँ पर भी आप 2π इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और कहीं पर एक बांड डबल बांड होता है तो वहाँ पर तो हम 2π इलेक्ट्रॉन काउंट करते ही हैं। कहीं पर डबल बांड होता है तो यहाँ पर 2π इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, कहीं पर लोन पेयर होता है तो 2π इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पर ट्रिपल बांड होता तो वहाँ पर भी हम 2π इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 2π, यहाँ से 2π, फिर यहाँ से 2π, यहाँ से 2π, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से 2π, यहाँ से 2π, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो जो हमारे कांस्टेंट हैं ये जो दो हमारे मूव नहीं हो रहे हैं, जो डीलोकलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, अब कंजुगेशन में भी है, डीलोकलाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा एरोमेटिक, और हकल रूल को फॉलो तो कर ही रहा है। अब आते हैं 14π इलेक्ट्रॉन सिस्टम में।
दो दो चार तीन छः जो का बनता जो बारह चौदह चौदह भाई इलेक्ट्रॉन है ठीक है। कंपाउंड साइक्लिक है और ये प्लेनर है, जिसे ये वाला था इसमें एक ब्रिज ऊपर की साइड थी और ये रिंग प्लेन पर थी, उसी तरह से एक रिंग और इधर जुड़ गई है और वो भी ऊपर की साइड हो गया। जब दोनों ऊपर की साइड होते हैं तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता है, तो ये साइकिल जो है वो प्लेन पर रहती है। तो ये कंपाउंड साइकिल है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन तो है ही, अब देख लेंगे। और 4n+2π को फॉलो कर रहा है तो ये वाला हो जाएगा एरोमेटिक। अब इसमें इस वाले एग्जांपल में ये वाला ब्रिज नीचे की साइड है, ये वाला ऊपर की साइड है। जब एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड होता है तो ये इस तरह से कुछ ज़्यादा ट्विस्ट हो जाता है, तो ये प्लेनर नहीं रह जाता, साइक्लिक है लेकिन प्लेनर नहीं है। कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी हकल रूल को फॉलो कर रहा है लेकिन ये प्लेनर नहीं रह जाता, इसमें मोर ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे मोर ट्विस्टेड। अब ये प्लेनर नहीं रह जाता है तो ये हो जाता हमारा नॉन एरोमेटिक। और कुछ एग्जांपल है इसके 14π के आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइक्लिक है, यहाँ से पूरी रिंग देखिए पूरी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह से पूरे देखिए कंजुगेशन में है। और 4n+2π को फॉलो कर ही रही है क्योंकि इसमें 14π इलेक्ट्रॉन है, और तब ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। अब इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में आपको एक चीज़ सेम है, बस यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड को इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया, देखिए ये बॉन्ड ठीक है, बाकी उधर का कॉन्जुगेशन तो सेम है। अगर ये बॉन्ड इस साइड मूव कराएं और इसको इस साइड फिर इसको इस साइड तो ये पूरा कॉन्जुगेशन देखिए इधर से पूरा ये कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लेनर है और 4n+2π यानी हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाला भी हो जाएगा आपका एरोमेटिक। हाँ, अब इसी कंपाउंड में मैंने ये थोड़ा सा बदलाव क्या कर दिया है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखिए यहाँ से ऐसे 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 होता था, बीच वाले का कोई लेना देना नहीं था, उसी तरह से इसमें भी होगा। ये वाला इधर जाएगा ये वाला इधर आएगा। आप चाहें तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं ठीक है, लेकिन ये बीच वाला जो है ये वाला पार्ट, पहले देखिए ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और 4n+2π इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, दो दो चार दो तीन छः दो चौकार दो दस बारह चौदह चौदह पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक, 14π इलेक्ट्रॉन ठीक। और इसमें 2π इलेक्ट्रॉन और इसमें 16π इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये रेस्ट है, ये कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, ये इस रिंग के कॉन्जुगेशन में है लेकिन ये जो कॉन्जुगेशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं नॉन हकल डबल बॉन्ड। और यहाँ पर हम 14π इलेक्ट्रॉन ही काउंट करते हैं और ये कंपाउंड होता है हमारा एरोमेटिक, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं कर रहा है, जो ये हमारा कॉन्जुगेशन हो रहा है और रेस्ट में ये पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला था और ये वाला था। और इसी तरह से 18π इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे हमारे पास ये एग्जांपल, ये भी होगा आपका एरोमेटिक, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटर है, कॉन्जुगेशन देख सकते हैं, डबल सिंगल बहुत कर लिया, समझ गए होंगे आप डबल सिंगल क्या है। हाँ, अब इसमें ये सारे एग्जांपल एनुलिन के भी हैं, जैसे देखिए ये भी एनुलिन है, इसे एनुलिन भी कहते हैं, क्या इसे कहते हैं 14 एनुलिन और इसे कहते हैं 18 एनुलिन ठीक है, 18 इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट में, 14 ब्रैकेट में एनुलिन उसके आगे लिखते हैं। फिलहाल जब हम एनुलिन के पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे, फिलहाल मैंने ये बता दिया है कि ये एनुलिन के भी एग्जांपल है, ये एच कुछ अंदर की साइड होते हैं और इधर कुछ एच बाहर की साइड भी होते हैं, ये यहाँ पर पूरे एच हैं, अब चारों तरफ एच दिखा लेंगे जब हम एनुलिन पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें दिखाने को तो कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटर 4n+2π देखना था, वो हमने देख लिया।
कौन कौन से कॉन्जुगेटेड थे, कौन से नॉन कॉन्जुगेटेड थे, कौन सा एरोमेटिक था, कौन सा नॉन एरोमेटिक था, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। जैसे कि इसमें था, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन था लेकिन ये कॉन्जुगेशन में नहीं था, नॉन एरोमेटिक हो गया। उसी तरह से हमारा उसमें भी कुछ होगा, या फिर प्लेनर नहीं होगा, या फिर कुछ और हो, कुछ होगा तो उसमें कैसे होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया या नहीं, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटी एरोमेटिक पे बात करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त, खुदा हाफिज़।